ये कितनी छोटी है देखो हाइट में, रूम नंबर है 823A। ये रहा उनका लोगो एंड दिस इज द व्यू, और मेन व्यू वो साइड है जो कि पेट्रोनास टावर्स का। दिस इज द व्यू, लंच हो चुका है और हम होटल वापस आ चुके हैं। यहाँ पर एक मस्त लैम्बर्गिनी खड़ी है ऑरेंज कलर की। ये कितनी छोटी है देखो हाइट में, मेरे कंधे तक भी नहीं आती। नंबर भी बहुत अच्छा है, UM45। चलो होटल चलते हैं, आपको रूम टूर दिखाता हूँ। KL टावर है, एकदम सिटी सेंटर में है हमारा होटल। यहाँ का सबसे बेस्ट स्वीट रूम हमने बुक किया है और रूम नंबर है 823A। चलो चलो, कौन सी वाली आएगी? 23A इधर नहीं है। ये रहा, ये रहा स्वीट रूम हमारा। नाइस मिरर, इधर भी मिरर, किंग साइज बेड, वर्किंग स्टेशन है इधर, ये मस्त चेयर, नाइस व्यू। ये होटल हमको पड़ा है 7,000 रुपीज़ पर नाइट में और बहुत अच्छा स्वीट रूम है। वैसे ये मलेशिया में आपको नॉर्मल सी होटल भी अच्छे बजट में 3,000-4,000 रुपीज़ के बजट में मिल जाएगी। हमने ये वाला होटल इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि इसके 50th फ्लोर पे एक इन्फिनिटी स्विमिंग पूल है, तो वो एकदम वर्थ इट है। वहाँ पे भी जाऊँगा मैं, आपको दिखाऊँगा इसके अंदर क्या है। आयन ड्रायर, आयन चेयर, इसमें सारा सामान हमने रख दिया है हमारा, उसमें भी लगेज भर दिया है। ये वॉशरूम है, नाइस वॉशरूम। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया था कि इस रूम के, इस होटल के 51st फ्लोर पे इन्फिनिटी पूल है, इसलिए हमने ये होटल रखा है। तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं, चलो देखते हैं कैसा व्यू आता है वहाँ से और पूल कैसा है। फर्स्ट फ्लोर आ चुका है। तो गाइस ये एंट्रेंस पे हम अपने रूम का की कार्ड स्कैन करते हैं और यहाँ से एंट्री मिल जाती है। यहाँ पे हमको सिग्नेचर करना है, डेट एंड टाइम लिखना है, कब हम आए हैं पूल पे। ये रहा उनका लोगो एंड दिस इज द व्यू। हम 51st फ्लोर पे और ये वाला KL टावर है, इधर बच्चों का पूल है और आगे एडल्ट्स का पूल है। क्या मस्त व्यू है देखो गाइस, ये इन्फिनिटी पूल है और यहाँ से देखो एकदम से सीधा नीचे दिखता है। और मेन व्यू वो साइड है जो कि पेट्रोनास टावर्स का, चलो वो देखने चलते हैं। This is the view.
बेटा ट्विन टावर जहाँ पे हम आज दोपहर को लंच करने गए थे, स्नैक्स लेने गए थे। यहाँ पे पूरा सिटिंग एरिया है और उधर भी है। मस्त पूरा मलेशिया का व्यू आता है इधर से। पूल में आ चुका हूँ गाइस, और क्या अमेजिंग एक्सपीरियंस है। आपको यहाँ से कॉर्नर से नज़ारा दिखाता हूँ एक बार। ये कुआलालंपुर टावर, एकदम बॉर्डर पे आ चुका हूँ मैं। देखो पूल की, वैसे अगर आप ये वाली होटल बुक कर रहे हो प्लैटिनम स्वीट्स, तो एक बात का ध्यान रखना कि इन लोगों की दो होटल है। ये जो सामने आपको दिख रही है ये प्लैटिनम स्वीट्स है, और ये वाला जो मैंने बुक किया है वो डी फेस प्लैटिनम स्वीट्स 2 है। तो अगर आप उसमें कन्फ्यूज़ कर दिया और गलती से वो वाला होटल ले लिया, तो वहाँ से आपको पेट्रोनास टावर का व्यू नहीं आएगा, क्योंकि ये वाली बिल्डिंग बीच में आएगी। तो आप गलती मत कर देना, क्योंकि दोनों होटल सेम है, उसका ऑपरेशंस भी सेम है, और उनकी बुकिंग साइट पे भी दोनों सेम ही लगती है। तो आप अगर चाहे तो एक बार फ़ोन करके कंफर्म कर सकते हो, जैसे मैंने किया था, कि आप जो होटल बुक कर रहे हो वो पेट्रोनास टावर व्यू वाला ही है ना, वरना आपका पैसा वेस्ट जाएगा और आपका मूड भी ख़राब हो जाएगा। तो आप आने से पहले डबल चेक कर लीजिएगा कि आपको पेट्रोनास टावर व्यू वाला ही होटल चाहिए, नॉर्मल वाला वो जो है वो नहीं चाहिए। देखो वहाँ पे भी पूल है, लेकिन वहाँ से सिर्फ केएल टावर का ही व्यू आएगा, ये वाला इसका नहीं आएगा। चलो उधर जाते हैं। इसका लाइट का थ्रो कितना ऊपर तक जा रहा है पेट्रोनास टावर्स का, और ये ज़्यादा ओवर क्राउडेड भी नहीं है, इतना क्राउड नॉर्मल है। वैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे बहुत क्राउड होगा और आप कुछ भी मतलब एंजॉय अच्छे से नहीं कर पाओगे, पर मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ही कम क्राउड है, तो मज़ा आ रहा है। ये आ चुका है एकदम बॉर्डर पे, ये आ गया पेट्रोनास टावर्स का व्यू, अमेजिंग है। ये वाला व्यू पॉइंट सबसे बेस्ट है। ये मलेशिया का हाईवे है, इधर भी सिटिंग एरिया दिया हुआ है यहाँ पर, और वो वाली लाइन में भी दिया हुआ है। वो वाला सिटिंग एरिया ज़्यादा वैकेंट रहता है, ये वाला फुल रहता है, लोग अपने टॉवल्स रख के चले जाते हैं। चलो वो वाले कॉर्नर पे जाते हैं, वहाँ से भी मस्त व्यू आता है। छोटे छोटे बच्चे भी इधर स्विम कर रहे हैं रिंग लगा के। ये पेट्रोनास टावर्स के सामने भी एक टावर नया बन गया है, नहीं शायद बन गया, हाँ बन गया ऑलरेडी, क्या है पता नहीं। ये वाला बॉर्डर आ चुका है, फिफ्टी फर्स्ट फ्लोर है ये। देखो यहाँ से कैसा नजर आता है पूरे पूल का, एकदम इसके 90 डिग्री कॉर्नर पे हूँ मैं। 5 hours later. गुड मॉर्निंग गाइस, डे 2 इन मलेशिया। कल हम जब इधर आए थे तो सिर्फ 100 सिंगापुर डॉलर्स को एक्सचेंज करके अर्जेंटली हम होटल पहुंच चुके थे, फिर वहां पे आज हमने और आए और मनी एक्सचेंज करने के लिए आए। देखो ये यहां का एक रिंगिट है, मतलब कि 20 रुपये,
ये 5 रिंगिट 10 रिंगिट 200 रुपये, तो बहुत सारे पैसे एक्सचेंज कर लिए। अभी हम जा रहे हैं लंच करने के लिए। ये 100 रिंगिट्स है, 2000 रुपीस। मैं अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। मेरे को एक कैब ड्राइवर ने, जब छुट्टे नहीं थे, तो ये 1 रिंगिट के 40 नोट दिए। देखो 10, 20, 30, 40। तो गाइस अभी हम फिर से आ चुके हैं पूल पे, क्योंकि हमारा मन नहीं भरा था इस व्यू से। Come on.